नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आशा आयुर्वेदा फर्टिलिटी सेंटर रजौरी गार्डन में आयुर्वेदिक फर्टिलिटी प्रैक्टिस करती हूँ हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन पेशेंट्स जो देखने को मिलते हैं वो हैं आई फेलियर्स या फिर अननोन इनफर्टिलिटी इन सभी केसेस में जो एक कॉमन चीज़ जो देखने के लिए मिलती है वो ये है कि आपका आईवीएफ फेल हो क्यों रहा है या बिना किसी फर्टिलिटी इन फर्टिलिटी के रीजन के स्टिल आप फर्टाइल क्यों नहीं हो पा रहे हैं तो इन सब परेशानियों को जब हम देखते हैं तो इनके सॉल्यूशंस आपको आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से मिलते हैं देखिए आईवीएफ एक आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक है जिसमें आपका स्पर्म आपका ओवम या फिर जो आज की कंडीशंस है फीमेल्स का ओवम बहुत ही खराब क्वालिटी का हो चुका है या डोनर एग्स पे जाते हैं तो दोनों ही केसेस में जो एम्ब्रियो बनाया जाता है डेट एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफर टू योर यूट्रस बट उसको ट्रांसफ़र करने के बाद इम्प्लांटेशन होता है या नहीं होता है ये आपके गर्भाशय की स्थिति पर डिपेंड करता है इन शॉर्ट आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना हेल्दी है यही ये डिसाइड करता है कि आप एक हेल्दी प्रोजनी को जन्म दे सकते हैं या नहीं सो इन दीज केसेस बीज संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बीज संस्कार हम आशा आयुर्वेदा सेंटर पर करते हैं बीज संस्कार के दो अंदर हम तीन चीज़ों को कवर करते हैं फर्स्ट थिंग इज हमारे आज के टाइम में जो कंजनाइटल इनॉर्मलिटीज बहुत आ रही हैं या जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं यानी कि आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड को या फादर को या फादर इन लॉ को जो डायबिटीज़ हाइपर टेंशन अर्थराइटिस ये इश्यूज़ हैं ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ना आए सेकेंड थिंग इज कि आपकी जो एग uh, क्वालिटी है पीसीओडी की वजह से या किसी अदर इश्यू की वजह से उस एग क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर पाएं एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर एंडोमेट्रियम जो आपकी एंडोमेट्रियम है उसकी जो इम्प्लांटेशन विंडो है डैट शुड बी परफेक्ट और वो कैसे परफेक्ट होती है वो होती है उत्तर बस्ती टेक्निक से आयुर्वेद के माध्यम से हम तीन महीने का बीज संस्कार प्लान प्रोग्राम करते हैं आपके यूट्रस के अंदर हर महीने मेडिसिन डालते हैं जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है कुछ पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है इस वजह से उनको सरोगेसी तक भी डॉक्टर्स जो हैं वो रेफर कर देते हैं तो उस एंडोमेट्रियम को आप आयुर्वेदा से अच्छे से ग्रो करा सकते हो उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं सेकेंड थिंग जो हम बीत में करते हैं डेट इज प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बोथ मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर सो डेट जो आपका शुक्र धातु है यानी कि मेल का sperm और female का और फीमेल उसको अप टू द रूट लेवल हम डिटॉक्सिफाई कर पाए और उससे जो प्रोजनी डेवलप हो जो एम्ब्रियो अगर आप आईवीएफ के थ्रू बना रहे हैं या फिर आप जो नेचुरल कंसीव कर रहे हैं जो प्रोजनी आपकी बनती है दैट शुड बी फ्री फ्राम द डिजीजेज जो जेनेटिक डिजीज हैं या फिर जो हमारे खाने पीने में ऑडल्ट्रेशंस आज कर आ चुकी हैं उसकी वजह से जो न्यू डिजीजेज हमारे बच्चों को जो हमारी आने वाली पीढ़ी को आ रही हैं उनको हम कवर कर सकें सो वी कैन प्लान अ हेल्थी प्रोजनी विद आयुर्वेदा ऑल्सो वी कैन

First get pieces garden, get your bodies prepared for fertility and then plan for fertilization or then plan for the future generation. That's what we always recommend at Asha Ayurveda. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है ऑलरेडी इतने एडहेशंस हैं आपका यूट्रस की कंडीशन ठीक नहीं है एंड जस्ट अ फोर्सफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर यू आर डूइंग ओनली फॉर विद द हेल्प ऑफ आई आई वी एफ ओनली फॉर गेटिंग अ कंसेप्शन दैन फेलियर्स आर मोर मीन्स दैट्स वाई IVF success is only 30 to 35% but if we if you are going with ayurveda first you are getting your body prepared for the fertilization then i assure you in maximum cases you don't need to go for IVF and if some cases are there where even ayurveda or other things can't help you then you are going for IVF your success chances are also increased a lot so प्रिपेयर योर सेल्फ बॉडी बिकॉज बेबी को जन्म तो एनिमल्स भी दे रहे हैं बट ह्यूमन्स में ये डिफरेंस है ह्यूमन्स में ये कैपेसिटी है कि वो एक हेल्दी प्रोजनी को जन्म दे सकते हैं वो एक बेबी को प्लान कर सकते हैं एक अच्छी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं एंड देन दे गैन गो फॉर प्रेग्नेंसी और एक अच्छे बेबी को इस दुनिया में ला सकते हैं सो so, I wish you all the best for your pregnancies all the best for your future life and if you have any issues regarding your fertility you can contact us at Asha Ayurveda Fertility Center we people always there for your help thank you very much